नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक जो व्याकरण है उसका एक विषय जो हमारे सिलेबस में है वाच्य, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो दसवीं कक्षा है, दसवीं कक्षा में हमारे जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रामर पोर्शन के जो एक तरह से अंक जो हैं वो 16 अंक, कुल अंक जो हैं 16 अंक हमारे एक तरह से परीक्षा परिणाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तरह से रोल जो है वो अदा करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो अभी जो ये लिया है व्याकरण का जो विषय है हमारा, ये है वाच्य। और वाच्य जो है ये आपके 4 अंक का जो है, ये टॉपिक जो है ये 4 अंक का है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में 4 अंक टॉपिक आए गए। और इसमें से जो है प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है हमें समझना चाहिए, किस तरह से जो है हमें बहुत ही ध्यान से जो है उसका उत्तर देना चाहिए, उन सभी बातों की हम जो है यहाँ बात करेंगे। वाच्य की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे, वाच्य के भेद के बारे में बात करेंगे, हम वाच्य होता क्या है उसको हम समझेंगे। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो है देखते हैं कि वाच्य जो है होता क्या है वास्तव में। तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि जब कोई भी सब्जेक्ट जब होता है, जब कोई भी कार्य करता है, तो वहां पे उसका कोई ना कोई एक विषय होता है। तो यहाँ पे भी जो है वाच्य जो है वो हम इसी तरह से इसको बोल सकते हैं कि बोलने का जो विषय है, कार्य करने का जो विषय है वो क्या है कर्ता का, तो उसी को जो है हम यहाँ पे वाच्य कहते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय करता है, कर्म है, या स्वयं क्रिया का भाव ही मुख्य है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य में क्रिया जो है प्रयुक्त होती है तो उसका जो विषय है वो करता है, कर्म है, या भाव है, तीनों में से कोई ना कोई उसका जो है, तीनों में से जो है कोई ना किसी न किसी विषय की जो है प्रधानता होगी। अगर कर्ता की प्रधानता है तो वो कर्तृवाच्य होगा, और अगर कर्म की प्रधानता है तो वो कर्मवाच्य होगा, और अगर स्वयं भाव की प्रधानता है, क्रिया के भाव की वहां पे अगर प्रधानता होती है तो वो होगा भाववाच्य। तो यहाँ पे जो है एक जो परिभाषा है वाच्य की वो इस तरह से बनती है, और इसी परिभाषा में से हमारी जो तीनों परिभाषाएं जो है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों की परिभाषाएं इसी में से निकल के आती है। कैसे, देखिए, अगर वाक्य में क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, अगर क्रिया का प्रधान विषय ओनली कर्ता है तो क्या होगा, कर्तृवाच्य। अगर क्रिया का प्रधान विषय कर्म है तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य। और अगर क्रिया का प्रधान विषय स्वयं क्रिया का भाव ही है तो वो होगा भाववाच्य। तो इस तरह से जो है ये तीनों को मिलाकर के ही वाच्य की परिभाषा बनाई गई है। और अब जो एग्जाम है वहां पे एग्जाम में बहुत कम पूछता है वाच्य की परिभाषा, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो हमें ध्यान रखना होगा। और अगर तीनों की अलग अलग पूछता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो तीनों की भी जो है हम अलग अलग परिभाषा भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है देखा वाच्य की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं कि जो वाच्य के जो भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उनको हम पहचानेंगे कैसे, उनको जो है हम एक दूसरे वाच्य के अंदर जो है परिवर्तित करने के लिए अगर प्रश्न आता है तो हम उनको कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो है किस तरह के प्रश्न बनते हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं हम। वहां पे देखिए, परीक्षा में जो है दो तरह के प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं। एक वो पूछता है कि दिए गए वाक्यों में वाच्य भेद पहचान कर लिखिए कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य, तीनों में से कौन सा है वो। तो वहां पे जो है हमें पहचानने के लिए बोलेगा, तो वो या तो कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, तीनों में से एक होगा, तो हम वहां पे वो ही हमें आंसर देना होगा उसको पहचान करके। दूसरा जो है वो प्रश्न पूछता है कि वाच्य परिवर्तित करने के लिए, यानी कि वो ये कह सकता है कि कर्तृवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है, कर्मवाच्य है उसको कर्तृवाच्य में बदलिए, या कर्तृवाच्य है उसको आप भाववाच्य में बदलिए, ठीक है, भाववाच्य है उसको आप कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इस तरह से वो परिवर्तित करने के लिए भी जो है प्रश्न दे सकता है। तो वहां पे हम किस तरह से परिवर्तित करेंगे वो भी हम देखेंगे, यानी कि हमें वाच्य को पहचानना कि वो वाच्य का कौन सा भेद है, दूसरा हमें वाच्य को परिवर्तित करना कि वो जो हम किस तरह से उसको परिवर्तित करेंगे, दोनों ही चीजें जो है यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए,
जो वाच्य के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और तीनों ही वाक्यों को जो है हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य होगा, कौन सा वाच्य कर्मवाच्य होगा और कौन सा वाच्य भाववाच्य होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ही मुख्य भूमिका वहां पे होती है, वो ही प्रधान होता है एक तरह से। दूसरा है यहाँ पे क्रिया के लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार होते हैं, यानी कि जो क्रिया होगी, जो हमारी वर्ब होगी, उसके जो लिंग और वचन होंगे वो कर्ता के अनुसार होंगे। यानी कि अगर कर्ता एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन है, अगर कर्ता जो है बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, कर्ता जो है अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यानी कि हमें जो है क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया रूपों का प्रयोग होता है, यानी कि वहां पे जो वाक्य दिया हुआ होगा वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण भी हो सकता है और अकर्मक क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन हमें अकर्मक सकर्मक जो है दोनों को ध्यान ना देकर के हमें वहां पे पहचानना होगा कि वो कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे, पहले हम देखेंगे उसमें कर्ता की प्रधानता है या नहीं, और कर्ता की प्रधानता का कैसे पता लगेगा हमें, उसमें हम देखेंगे कि क्रिया जो है उसके लिंग और वचन, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, एकवचन या बहुवचन, इन चारों चीजों में से जो है हम वहां देखेंगे कि ये चारों चीजें जो है वो कर्ता के अनुसार है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है कर्ता जो है पुल्लिंग है और क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो वो सेंटेंस जो है, वो वाक्य जो है वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली जो है बात है कर्ता की प्रधानता होगी, दूसरा होगा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होंगे, तीसरा होगा सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी कि सकर्मक का भी प्रयोग किया जा सकता है और अकर्मक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं, एक बार में एक एक का ही होगा, या तो अकर्मक का होगा या सकर्मक का होगा। देखिए, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, कि मैंने एक उदाहरण लिया है कि सीमा पुस्तक पढ़ती है। अब हम इसके अनुसार यहाँ पे चलेंगे, इसके जो नियम है उसके अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या है, सीमा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ती है, यानी कि पढ़ना जो है वो क्रिया है। अब देखिए यहाँ पे सीमा को देखिए आप, यहाँ सीमा जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो जाहिर सी बात है कि ये स्त्रीलिंग है। फिर आप देखिए क्रिया जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी कि मैंने यहाँ पे देखा कि अगर कर्ता जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है। कर्ता यहाँ पे देखिए एकवचन है तो क्रिया भी क्या है, एकवचन है, यानी मैंने जो है जो इसका तो जो दूसरा जो नियम है कि इसमें कर्ता, पहला जो नियम था कर्ता की प्रधानता है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार है या नहीं, देखिए तो ये जो क्रिया है इसके लिंग और वचन, यानी कि लिंग और वचन देखिए, लिंग में स्त्रीलिंग और वचन क्या है, एकवचन, और कर्ता को देखिए यानी कि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग और वचन क्या है, एकवचन, यानी कि दोनों जो है मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एकवचन स्त्रीलिंग है और ये भी एकवचन स्त्रीलिंग है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्ता की प्रधानता है, और इसीलिए ये इस वाक्य क्या होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने उदाहरण लिया था सकर्मक क्रिया का, क्योंकि इसमें पुस्तक क्या है, कर्म है, क्या पढ़ती है, वो पुस्तक को पढ़ती है। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे, मोहन दौड़ रहा है, ये उदाहरण दिया है मैंने अकर्मक क्रिया का। देखिए अब यहाँ पे मोहन और दौड़ रहा, क्रिया क्या है यहाँ पे, दौड़ रहा, और मोहन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है क्या, देखिए यहाँ पे मोहन एकवचन है तो क्रिया देखिए एकवचन है क्या, दौड़ रहा है, एकवचन ही है, दौड़ रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये एकवचन है तो ये एकवचन, दूसरी चीज देखिए यहाँ पे मोहन जो है वो पुल्लिंग है और क्रिया भी कैसी है, पुल्लिंग है, दौड़ रहा है, पुल्लिंग है, दौड़ रही है, अगर होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग होता। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग और एकवचन है और कर्ता भी क्या है, पुल्लिंग और एकवचन है, तो इसी कारण से ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये क्या होगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और तीसरा मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पे, चलो दौड़ते हैं, जो हमारे अभी जो 2019-20 का जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था बोर्ड सीबीएसई का, सीबीएसई एग्जाम का, तो उसमें भी जो है ये प्रश्न आ चुका है, और यहाँ पे जो है इस तरह का जो प्रश्न आ चुका है
और इसी कारण से जो है मैंने ये लिया है। पिछले साल भी मैंने जो है मेरे जो विद्यार्थी हैं उनको मैंने समझाया था और जरूर उन्होंने जो है इसका फायदा उठाया होगा और पूरे पूरे मार्क्स जो है इसके अंदर वो लाए होंगे। तो यहाँ पे भी मैं इस चीज को लेके चल रहा हूँ ताकि जो है अगर किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाए, किसी भी तरह का वाक्य वहां पे आ जाए तो आप उसको आसानी से कर पाए। तो यहाँ पे देखिए, चलो दौड़ते हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, सब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है और ओनली क्रिया जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि दौड़ते हैं, यानी कि ये क्रिया कैसी है, यहाँ पे बहुवचन है क्रिया, दौड़ते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं दौड़ रहा है, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके दौड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो चलो दौड़ते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, दौड़ते हैं, उठते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो इस तरह के जो सारे सेंटेंस हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो वो आपके एग्जाम्पल होंगे कर्तृवाच्य के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये कर्तृवाच्य का है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, इस तरह के जो वाक्य होंगे, हम उनको कर्तृवाच्य का सब सेंटेंस वाक्य ही मानेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का वाक्य भी वहां पे आ सकता है, चलो दौड़ते हैं, चलो खाते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो सोते हैं, चलो उठते हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, सारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। तो ये तो हो गया आपका पहचानने का तरीका, यानी कि कर्ता के अनुसार जो है क्रिया होनी चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, इस तरह के जो सेंटेंस है वो आपके कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। अब देखिए, अगर वो जो है यहाँ पे बोल दे वाच्य परिवर्तन करने के लिए, वाच्य परिवर्तन के बारे में हम विस्तार से जो है मेरा दूसरा वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वाच्य परिवर्तन करने के लिए अगर वो बोलता है किसको, कर्मवाच्य और भाववाच्य को अगर वो परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है वहां पे कर्तृवाच्य में, यानी कि अगर ये जो सेंटेंस है कर्मवाच्य और ये जो है भाववाच्य, इन दोनों को हमें परिवर्तित करना हो कर्तृवाच्य में, भाववाच्य को भी परिवर्तित करना हो कर्तृवाच्य में, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल ऐसे स्टूडेंट जो बहुत कम जिनको समझ में आता है या बहुत मुश्किल से जिनको समझ में आता है या भूल जाते हैं बार बार, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला है कि अगर हमें कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है तो हमें से या के द्वारा को हटाना है, यानी कि उस वाक्य में से या के द्वारा लगा हुआ होगा और उसी सेंटेंस को जो है वो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए बोलेगा, तो आप उस सेंटेंस में से या के द्वारा को हटा देंगे। सिंपल सा यही काम करना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो से और के द्वारा को हटा करके और उस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल ही है, थोड़ा सा वाक्य में परिवर्तन होगा तो वो आप जो है जनरली जो होता है हमारा सामान्य रूप से जो हम परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा एक शब्द जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा वाक्य में परिवर्तन होता है तो वो भी हम कर देंगे, तो वो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। केवल हमें ध्यान रखना है कि से और के द्वारा को हटा करके हम उसको कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम एक बार तीनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में वाच्य परिवर्तन में जो है एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो है सेंटेंस आपका कर्मवाच्य, अब कर्मवाच्य में देखो क्या होता है, कर्तवाच्य में तो कर्ता की प्रधानता थी, अब यहाँ पे क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी, यानी कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन होंगे। देखें यहाँ पे, तो कर्म की प्रधानता होगी नंबर वन, नंबर टू जो है यहाँ पे क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे, जैसा कर्म होगा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, उसी के अनुसार जो है क्रिया के लिंग और वचन होंगे। तीसरी चीज, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो कर्तवाच्य है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों का किया जाता है, लेकिन कर्मवाच्य जो है उसमें ओनली सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा, केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। चौथे नंबर वाली जो बात है वो ध्यान रखनी है हमें, करण कारक के कारक चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग होता है, यानी कि जो सेंटेंस से और के द्वारा जिसमें लगा हुआ है, दूसरी चीज अगर वो सकर्मक क्रिया है और से और के द्वारा लगा हुआ है तो वो जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है, वो आपका होगा कर्मवाच्य का उदाहरण।
सकर्मक अकर्मक को पहचानना भी मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरा वीडियो होगा उसमें सकर्मक अकर्मक की भी हम बात करेंगे कि सकर्मक जो है कौन सा सेंटेंस होगा, सकर्मक क्या 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 होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो उसमें हम जब हम कन्वर्ट करना उसमें सीखेंगे, वाक्य को पहचानना जब हम सीखेंगे, तो वहां पे आपको एक एक वाक्य में बताता जाऊंगा कि वो सकर्मक क्यों है, वो अकर्मक क्यों है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहले कर सकर्मक क्रिया का प्रयोग, दूसरा से और के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें देखिए, सीमा से पुस्तक पढ़ी जाती है या सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों ही तरह से हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही जो है से और के द्वारा में से, दोनों में से कुछ भी लगा करके हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, दोनों ही राइट है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने उदाहरण लिया है कर्मवाच्य का, ये मैंने लिया है यहीं से ही, कि ये जो उदाहरण है सीमा पुस्तक पढ़ती है, इसी को ही मैंने यहाँ पे कर्मवाच्य में बदल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो करण कारक के कारक चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग होता है, तो अगर किसी भी सेंटेंस को हमें कर्मवाच्य में लिखना है तो हम क्या करेंगे, से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सीमा पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया को ही जो है, सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य हैं केवल उन्हीं को ही हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने देखो, मोहन दौड़ रहा है, इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, चलो दौड़ते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम्पल है, ये जो दोनों उदाहरण है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, और हमें कर्मवाच्य में उदाहरण लेने हैं, कौन से, ओनली सकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा वही हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ पे सीमा पुस्तक पढ़ती है, इसको मैंने से और के द्वारा लगा के कर्मवाच्य में बदल दिया, क्योंकि ये सकर्मक का उदाहरण था इसलिए। अब इसमें देखिए, वाच्य परिवर्तन, कि जब हमें कर्तवाच्य जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो उसको अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे, हम से के द्वारा लगा देंगे। यही चीज मैंने बोली है कि ये जो उदाहरण है ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, और इसको हमें किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में, तो मैंने क्या किया, से और के द्वारा लगा दिया और इस सेंटेंस को कर्मवाच्य में बदल दिया, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने सकर्मक क्रिया लिखा है, तो ये भी क्या था, सकर्मक क्रिया का उदाहरण, और इसीलिए इसको मैंने कर्मवाच्य में बदल दिया। अगर सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो हम उसको कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। देखिए यहाँ पे मोहन दौड़ रहा है, चलो दौड़ते हैं, ये दोनों अकर्मक क्रिया के हैं, इसलिए मैंने इनको कर्मवाच्य में नहीं बदला है, इनको मैंने यहाँ पे उदाहरण नहीं लिया है, वरना मैं इनको भी यहाँ पे बदल करके लिख सकता था। तो ये हो गया आपका वाच्य परिवर्तन वाला, यानी कि कर्तवाच्य को अगर आपको कर्मवाच्य में बदलना है तो से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तवाच्य में बदलना है तो से के द्वारा को हटा देंगे। अब देखो, यहाँ पे तो हटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे, यानी कि कर्मवाच्य में अगर बदलना है तो से के द्वारा लगा देंगे, कर्तवाच्य में अगर बदलना है तो से के द्वारा को हटा देंगे। जैसे मान लीजिए, अब मैं केवल इसी को देखता हूँ यहाँ पे, कि सीमा से या के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब अगर वो कह दे कि इस वाक्य को आप कर्तवाच्य में बदलिए, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कर्तवाच्य से के द्वारा को हटा देते हैं, यानी कि अगर कर्मवाच्य या भाववाच्य को कर्तवाच्य में बदलना है तो से या के द्वारा को हटा देंगे। तो यहाँ पे से या के द्वारा जो लगा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, सीमा पुस्तक पढ़ती है मैंने इसको लिख दिया, यानी कि हमें अगर बदलना है तो से के द्वारा लगा दीजिए कर्मवाच्य में, और अगर कर्तवाच्य में बदलना है तो से के द्वारा को हटा दीजिए, सिंपल सा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे भाववाच्य, भाववाच्य में देखिए क्रिया की भाव की प्रधानता होती है, यानी कि ना तो कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की प्रधानता होगी, क्रिया जो है उसमें स्वयं जो उसका जो भाव है उसी की प्रधानता होगी। देखिए क्रिया हमेशा दूसरा पॉइंट है इसमें, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी, यानी कि जब भी भाववाच्य का उदाहरण आएगा वो एक वचन ही होगी क्रिया, और पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, से के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे इसमें भी से के द्वारा का प्रयोग होता है, इसमें भी से के द्वारा का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है कर्मवाच्य है, अगर यहाँ पे उसने लिख दिया मोहन से के द्वारा दौड़ा जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा से के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो दोनों में ही से के द्वारा लग रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। सिंपल है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो उदाहरण आएगा अकर्मक क्रिया का, यहाँ पे उदाहरण ये सॉरी यहाँ जो उदाहरण आएगा वो आएगा सकर्मक क्रिया का और यहाँ उदाहरण आएगा अकर्मक क्रिया का। ठीक है, देखो मोहन दौड़ रहा है, मैंने कहा था कि ये किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का, और इसीलिए मैंने इसको इसमें लिया है कि मोहन से के द्वारा दौड़ा जा रहा है, ये भाववाच्य होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को मोहन से के द्वारा को यहाँ लिखूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस ये भाववाच्य का है, इसको मैं यहाँ नहीं ले सकता। अकर्मक क्रिया है इसके अंदर और इसमें सकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक सकर्मक का ध्यान रखेंगे और इसी कारण से जो है मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, इसमें केवल सकर्मक का होगा, इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें तो सकर्मक अकर्मक दोनों आ सकती है, यानी कि कर्तवाच्य में हमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक आएगी और भाववाच्य में केवल अकर्मक आएगी। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये आपका भाववाच्य होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, वाच्य परिवर्तन अगर करना हो, यानी कि किसी भी सेंटेंस को, यानी कर्तवाच्य या कर्मवाच्य को हमें जो है भाववाच्य में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो हम कर्मवाच्य को तो बदल ही नहीं सकते, हम किसको बदल सकते हैं, केवल ओनली कर्तवाच्य जो है, क्योंकि जिसके अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है केवल उसी को ही हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कर्तवाच्य के जो उदाहरण है केवल उसी को हम भाववाच्य में बदलेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अकर्मक क्रिया चाहिए। भाववाच्य में बदलने के लिए हमें अकर्मक क्रिया के उदाहरण वाले जो सेंटेंस है जो वाक्य है वो चाहिए, तभी हम उसको भाववाच्य में बदल पाएंगे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकर्मक क्रिया था और अकर्मक क्रिया था इसलिए मैंने इसको भाववाच्य में बदल दिया। यहाँ पे भी देखो अकर्मक क्रिया है और इसको भी हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, कैसे, देखो चलो दौड़ा जाए, बदल दिया मैंने। तो ये सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से आता है चलो दौड़ते हैं तो ये होगा कर्मवाच्य, अगर इस तरह से लिखा हुआ है इसको चलो दौड़ा जाए तो ये होगा भाववाच्य। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है इसी तरह से कोई सेंटेंस दे दे कि चलो पढ़ते हैं, ठीक है, और तो वो होगा कर्तवाच्य, चलो दौड़ते हैं तो वो होगा कर्तवाच्य, चलो उठते हैं तो वो होगा कर्तवाच्य, और अगर हम चलो उठते हैं, क्योंकि ये उठना जो है ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, और चलो उठते हैं को हमें भाववाच्य में बदलने के लिए बोला जाए तो हम कैसे बदलेंगे, चलो उठा जाए, जैसे हमने यहाँ पे चलो दौड़ते हैं को हमने क्या बदला, चलो दौड़ा जाए, चलो उठते हैं लिखा होगा तो चलो उठा जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम अकर्मक क्रिया वाले जो उदाहरण है हम उनको भाववाच्य में बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य जो है उसी को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं और से के द्वारा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कर्तवाच्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, उसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे और से के द्वारा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें सकर्मक क्रिया का ध्यान रखना है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके आएगा कर्तवाच्य के जो उदाहरण आएंगे वो आएंगे अकर्मक क्रिया के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकर्मक, यानी कि ताकि आपको ध्यान रहे कि कर्तवाच्य के जो उदाहरण होंगे अकर्मक वाले उन्हीं को ही हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, और उनको जब हम बदलेंगे तो से और के द्वारा लगा देते हैं। तो चलो दौड़ा जाए, ये जो है आपका भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक बार इन्हीं सेंटेंस को बदल करके देखते हैं वापस से। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है मोहन से या के द्वारा दौड़ा जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो उदाहरण है, ये जो वाक्य है कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य या भाववाच्य, ठीक है, तो आप अभी तो यहां से देख करके बता देंगे कि सर ये तो भाववाच्य है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है कि से और के द्वारा कर्मवाच्य में भी लगता है, तो वहां पे एग्जाम में जो है आपके माइंड में यही रहेगा कि सर ने बताया था से और के द्वारा जो है कर्मवाच्य का होता है, तो आप कर्मवाच्य ही करेंगे वहां पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अकर्मक क्रिया है और इसीलिए ये भाववाच्य में आया है। देखो अब ये जो उदाहरण है, इस सेंटेंस को यहाँ पे बदलने के लिए अगर वो बोलता है तो वो कहेगा कि ये जो मोहन से के द्वारा दौड़ा जा रहा है इसको आप बदलिए कर्तवाच्य में। तो कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्तवाच्य में अगर बदलना हो तो हम क्या करेंगे, से के द्वारा को हटा देंगे। तो यहाँ पे मोहन से के द्वारा जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, तो मोहन से दौड़ा जा रहा है ये सेंटेंस है, इसमें से को हटा देंगे तो मोहन दौड़ रहा है, इस तरह से हो जाएगा, मोहन दौड़ रहा है, क्योंकि से और के द्वारा को लगा दिया तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, मोहन दौड़ रहा है। ठीक है,
इसी तरह से ये सेंटेंस था, सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में, तो यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे देखिए वाच्य परिवर्तन का नियम, क्योंकि कर्तवाच्य में बदलना है तो हम कर्तवाच्य में ही आ जाएंगे वापस। और यहाँ देखिए कि अगर कर्मवाच्य या भाववाच्य के सेंटेंस को, वाक्य को अगर कर्तृवाच्य में बदलने के लिए बोलेगा तो से के द्वारा को हटा देंगे, यानी इसमें से भी हम क्या करेंगे से के द्वारा को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीमा पुस्तक पढ़ती है, सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा सीमा पुस्तक पढ़ती है, और ये हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। सिंपल हो गया, ये वाला सेंटेंस था इसको भी हमने देखा कर्तृवाच्य में परिवर्तित करके, ये वाला सेंटेंस था इसको भी हमने परिवर्तित करके देखा कर्तृवाच्य में, और दोनों में से ही हमने क्या किया से के द्वारा को हटा दिया, तो वो कर्तृवाच्य में बदल गया। यानी कि आपको जो है किसी भी वाक्य को अगर कर्तृवाच्य में बदलना है तो से के द्वारा को हटाना होगा। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य का सिंपल सा फंडा आपको ध्यान आ गया कि कर्तृवाच्य में बदलने के लिए अगर बोले तो से के द्वारा को हटा देना है। दूसरी चीज, कर्मवाच्य में बदलने के लिए बोले तो से के द्वारा को लगा देना है, भाववाच्य में बदलने के लिए बोले तो से के द्वारा को लगा देना है। एग्जाम में वहां पे एग्जामिनर जो है वो सही सेंटेंस देगा आपको, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है वही सेंटेंस देगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बहुत जल्दी या बहुत आसानी से, जिनका शार्प माइंड नहीं है, जिनको बहुत देर से समझ में आता है, या फिर जो भूल जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक ही फॉर्मूला है कि अगर वो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए बोले तो से के द्वारा को हटा देना है, अगर वो कर्मवाच्य में बदलने के लिए बोले तो से के द्वारा को लगा देना है, अगर वो भाववाच्य में बदलने के लिए बोले तो भी से के द्वारा को लगा देना है। यानी कि कन्वर्ट करने वाली बात जहां पे आती है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इजी फंडा है, कर्तृवाच्य में बदलने के लिए बोलेगा तो से के द्वारा को हटा देंगे, कर्मवाच्य में बदलने के लिए बोलेगा तो से के द्वारा को लगा देंगे, भाववाच्य में बदलने के लिए बोलेगा तो से के द्वारा को लगा देंगे। यानी ये जो है मेरी तीन बातें आप ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कर्तृवाच्य में बदलना है से के द्वारा को हटा देते हैं, कर्मवाच्य में बदलना है से के द्वारा को लगा देते हैं, भाववाच्य में बदलना है से के द्वारा को लगा देते हैं। ये तीनों बात जो है ध्यान रखोगे तो कम से कम एक वाक्य ऐसा 100% 100% जो है पूछा जाएगा, और एक मार्क्स आपका जरूर से जरूर पक्का हो जाएगा, केवल इतना सा ये तीन बातों को ध्यान रखने से। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों के बारे में हमने जो है बात करी है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, थोड़े से जो उदाहरण है जो PDF में जो है आपको भेजे जाएंगे, उन उदाहरणों को जो है आप अच्छे से समझेंगे, उन उदाहरणों को प्रैक्टिस करने की जो है अभ्यास करें, प्रैक्टिस करके जो है उनको जो है आप सोल्व करेंगे, उनको जो है एक तरह से घर पे बैठ करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि वो किस किस के उदाहरण है, कैसे हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है अपनी आंसर शीट जो है, जो आंसर शीट होगी उससे भी आप उसको मैच करेंगे। पहले आप बिना देखे करेंगे, उसके बाद आप मैच करेंगे कहाँ गलती की है, फिर आपको पकड़ में आएगी। तो जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 अंक का जो है ये आपका बोर्ड परीक्षा में जो है 4 अंक का ये आपका टॉपिक है, और 4 अंक जो है अगर आप लाना चाहते हैं तो दोनों ही तरह के प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न पहचानना कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य कौन सा है, दूसरा प्रश्न परिवर्तित करना कर्तृवाच्य में बदलना कर्मवाच्य में बदलना और भाववाच्य में बदलना। तो इस तरह से जो है आप 4 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है आप इनका भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी जो है इनमें से भी प्रश्न पूछ लेता है कि कर्तृवाच्य में कौन कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों का, कर्तृवाच्य के लिंग और वचन जो है क्या कर्ता के अनुसार होते हैं, हाँ, क्योंकि कर्तृवाच्य के जो क्रिया और लिंग, क्रिया के जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है कर्ता की, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है कर्म की, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है भाव की। तो इस तरह से जो है आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे, और इनको ध्यान रखते हुए जो है आप इसको रिवाइज करेंगे। 10 सेकंड है आपके पास, में भी 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी से आपका जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ चुका होगा, और अगला जो वीडियो है हम उसमें थोड़े से वाक्यों को जो है लेकर के और उनकी जो है उनका अभ्यास करेंगे, और उनको जो है वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम परिवर्तित करते हैं, किस तरह से पहचानते हैं।
धन्यवाद।